सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरेश्वर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से जो कि 19 तारीख के दिन मंगलहाट पीएस की लिमिट में जो वाकया हुआ था उसमें 9 बच्चों की गिरफ्तारी हुई थी। सदर मोहतरम ने इनकी कानूनी मदद करते हुए इनकी बेल करवाई और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 3 बच्चे जो सैदाबाद में जो बच्चों की जेल है वहाँ से रिहाई अमल में आई, जो कि उसमें से एक मोहम्मद आदिल आलम जो कि छतरी नाका के रहने वाले हैं और एक मोहम्मद यूसुफ हाफिज बाबा नगर के रहने वाले हैं और एक मोहम्मद रियान मुराद महल चांद मीनार के रहने वाले हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों के अफराद ख़ानदान को के लोगों के साथ इनके घर पर पहुंचाया गया इन लोगों को, जो कि सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरेश्वर असदुद्दीन ओवैसी साहब से यहाँ के जो इनके अफराद ख़ानदान है जो इनके वालदा वालिद है दारुस्सलाम में आकर 21 तारीख के दिन मिलकर इस वाक़े की डिटेल रिपोर्ट सदर मोहतरम को बताए थे। सदर मोहतरम जबी मुझे और हमारे वकील साहब जो है मोहम्मद अज़ीज़ रहमान साहब को सदर मोहतरम ने ये ज़िम्मेदारी दिए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरेश्वर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से बच्चों की रिहाई अमल में आई और उनके अफराद ख़ानदान सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरेश्वर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं।